हेलो गाइस, हाउ आर यू टुडे? आई हैव ब्रॉट अ फ्यू टिप्स ऑफ मैथ्स। मैथ्स की कुछ ऐसी टिप्स लेके आया हूँ कि आप अगर उनका यूज़ करेंगे तो किसी भी कंपटीशन में, एसएससी है या कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम है या स्कूल है या कुछ भी आप कैलकुलेशन करनी हो, छुट्टियों में विद अ स्नैप ऑफ फिंगर यू विल डू द कैलकुलेशन। जस्ट वी विल स्टार्ट फ्रॉम द स्क्वायर, यानी किसी भी नंबर का स्क्वायर या वर्ग निकालना हो तो कैसे निकालेंगे आप देखिए। ये देखो 25 है, आप कैलकुलेटर से करिए, मैं वैसे करता हूँ फटाफट। 25 6 to 5, 35, 45, 95, 105, 105, have you got it? कैन यू डू दैट वन फास्ट और यू वॉन्ट टू डू? क्या कैलकुलेटर से इससे फास्ट कर सकोगे आप? करके देख लीजिए। ओके, जस्ट मैं इसकी आपको ट्रिक बताता हूँ, क्या ट्रिक है इसकी। अगर आपको स्क्वायर निकालना किसी भी नंबर का और बाद में फाइव है तो आप इस तरीके निकाल सकते हैं। जैसे मैंने इसका निकाला फाइव, फाइव का स्क्वायर निकाल लेंगे 25, ये होगा। अब टू है, इसको इसके आगे वाला जो भी नंबर है उससे मल्टीप्लाई करेंगे, टू मल्टीप्लाई बाय 3, 6, इस तरीके से सारे हो जाएंगे। ये मैं 35 को और बताता हूँ आपको, 5, 5, 25, 3 का अगला नंबर नेक्स्ट है 4, 3, 4, 12, 1225, इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। अब आप कहेंगे सर ये तो आप ठीक है, पर कुछ अलग डिजिट हो तो कैसे निकालेंगे, उसका भी ट्रिक बताता हूँ। चलो मैं एक करके दिखाता हूँ आपको। आंसर इज 2209। इतना फास्ट कर लोगे कैलकुलेटर से? एक और करता हूं। इज द आंसर। अब मैं आपको इसकी ट्रिक बताता हूँ, क्या इसकी ट्रिक है। देखो 4 और 7 है, 7 का स्क्वायर 49, 4 का 16, ठीक है, और 4 7 जा 28, इन तीनों की मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 7 जा 28, 28 2 जा 56, ये इसमें ऐड कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा विद इन अ सेकेंड। ओके, तो 81 में भी आपने 1 का स्क्वायर निकाला तो 01 लिख देंगे, कभी भी सिंगल ना लिखेंगे 01। 8 का हो गया आपका 64, ठीक है। अब 8 मल्टीप्लाई बाय 1, 8 बाय 8 दूनी 16, यानी 8 दूनी 16, 16 यहाँ पर इसको ऐड कर लेंगे हम, 8 टू जा 16, इन तीनों संख्याओं का मल्टीप्लाई करेंगे। अब कुछ मल्टीप्लीकेशन की ट्रिक्स बताते हैं, 100 के आसपास के जो नंबर है हाउ टू मल्टीप्लाई दैम विदाउट एनी प्रॉब्लम इन सेकेंड्स। ओके, जैसे आप डूइंग डन इन अ सेकेंड, टू और थ्री इट हैज डन। अब मैं इसकी ट्रिक बताता हूं, एक और करूंगा उसके बाद ट्रिक। ओके, गॉट इट? ओके, जस्ट सम टेलिंग यू व्हाट इज द ट्रिक बिहाइंड इट। 105, 105 और 102 को हम मल्टीप्लाई करेंगे सम्पर। ये पहले देख लेते हैं 100 में कितना ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है 5, ये 102 में 2 ज़्यादा है, यानी 100 से 2 ज़्यादा, 2 प्लस करके लिख लिया हमने, ठीक है। अब इनकी मल्टीप्लाई करिए, 5 टू जो 10, यहाँ पर आ गई है 10, क्लियर। अब आप इसको आपस में जोड़ लेंगे, 105 को 2 से जोड़ेंगे तो भी 107 आएगा, 102 को 5 से जोड़ेंगे तो भी 107 आएगा, तो हमारा आंसर इस तरीके से आ गया। नेक्स्ट में हम देख लेते हैं, सेम 102 और 103 है, यहाँ प्लस 2 फालतू है, यहाँ प्लस 3 फालतू है, ठीक है। तो हमने यहाँ क्या करा, 3 टू जा 6, तो 0 लगा दी, क्योंकि अगर सिंगल है तो 0 लगा देंगे। और अब हम 103 में 2 जोड़े, 102 में 3 जोड़े, 105 ही आएगा, 105 हमने यहाँ लिख दिया, तो ये ठीक है।
यूजिंग दिस ट्रिक यू कैन डू विद इन ए टू और थ्री सेकेंड यू जस्ट यू कैन डू. ओके ओके वन मोर क्वेश्चन. एक कैलकुलेशन बताता हूँ आपको फटाफट. डन. वन मोर. डन. अब इसकी मैं ट्रिक बताता हूँ कैसे. दो तीन सेकंड में आप कोई भी मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं. जस्ट सी 98 और 99 ये है, ये 100 से माइनस 2 कम है और ये 99 एक कम है, ठीक है 100 से. तो हम इसमें क्या करेंगे, इसकी आपस में मल्टीप्लाई करेंगे. 02 आ गया हमारा, ठीक है. अब इनको आपस में माइनस कर लेंगे. 99 में से 2 माइनस करें या 98 में से 1 माइनस करें, आएगा आंसर 97 ही. तो हमारा ये आंसर आ गया. तो सेम वे अदर वी कैन सी 93 में 100 में से ये 7 कम है, ये 3 कम है 97. इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे 7 3 21, और अगर आप इसमें से घटाएं कुछ भी आंसर 90 आएगा. तो 9021 आपका आंसर आ गया. दिस वे यू कैन डू अ लोट ऑफ मल्टीप्लीकेशन एंड यूज दैम in many places.